वेलकम बैक टू माय चैनल अनिका व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है मेहंदी नाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और अभी ना मेरी शक्ल से तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, बहुत सही में थकी हूँ। मेरी को ना फिजिकली भी ठीक नहीं लग रहा है और मेंटली भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्या काम रह गए हैं क्या काम नहीं रहे, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी ले लिया है, ब्रेकफास्ट मैं सिर्फ चाय और टोस्ट में खा रही हूँ। हाँ यार, उत्तपम का बैटर रखा है, मैं अभी उत्तपम भी बना लेती हूँ। तो अभी फटाफट से ना मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ और फिर हैदू को लेकर आती हूँ। और फिर मुझे जाना है, मेरे मामा भी आए हैं, तो मौसी भी आ गए हैं और कल तक के तो सारे मेहमान आ जाएंगे। तो आज है मेहंदी नाइट, तो बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं हम लोग सब लोग। और आप लोगों के साथ भी सब चीज शेयर करूंगी, बहुत मजा आने वाला है। और मेरे सारे रिलेटिव से भी जितना हो सकेगा मुझसे मैं आपसे मिलवाऊंगी, कौन है तो सब चीज मैं बताऊंगी आपको। मुझे ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और ना थोड़ी नर्वसनेस भी है क्योंकि मेरी काफी सारी तैयारी नहीं हुई है अभी तक के। मैं पार्लर भी नहीं गई हूँ, तो पार्लर तो जाके मुझे कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस खाली मैं थ्रेड बनवाऊंगी अपनी, बस इससे अलावा और कुछ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि उतनी ताकत बची नहीं है मेरे में इतने देर बैठने की। तो चलिए अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर हैदू को लेने जाते हैं। हैदू को लेकर आने के बाद में फिर जाते हैं मम्मी के घर। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी मतलब मेहंदी के हिसाब से नहीं हुई हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने ग्रीन पहना है। ये मेरा कॉट सेट है, तो ये मैंने इसलिए पहना बिकॉज ना अभी शाम के 5 बज रहे, मुझे बहुत जल्दी जाना था। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो हैदू सो रहा है ना, तो हैदू सो रहा है इसलिए क्योंकि वो सुबह भी जल्दी उठा था, कल हम लोग काफ़ी लेट आए थे, मैंने बताया था आपको। और अभी भी हमको जल्दी जाना था लेकिन बहुत ज़्यादा उसको ना एकदम ही टायर्ड फील हो रहा था, थोड़ा गर्म भी लग रहा था मुझे, मतलब थोड़ा फीवरिश ऐसा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा चलो ठीक है सो ला देती हूँ आधा पौन घंटा, अभी मैं उसको उठाती हूँ जाती हूँ बिकॉज मेरे मामा का काफ़ी टाइम फ़ोन आया, मामी वेट कर रहे हैं मेरे, उनके साथ मुझे थोड़ा सा शॉपिंग पे जाना है और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी, कल है हल्दी, कल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अभी मैं ना फटाफट जाके चूड़ी भी लेना है, मुझे चूड़ी ले लेती हूँ और भी एक दो चीज़ें लेनी है, तो फटाफट से मैं जाती हूँ मामी के साथ, मामी को भी लेना है और मैं भी ले लूँगी फटाफट से। और फिर मेहंदी नाइट में चेंज कर लूंगी ये तो मैं कपड़े, और घर पे आऊंगी, बाबू मैं हैदू चेंज कर लेंगे कपड़े और फिर हम लोग अपना मेहंदी का फंक्शन एंजॉय करेंगे। आवाज तू क्या मेहंदी? हेलो। तो फ्रेंड्स, दुल्हन को लग रही है मेहंदी और ये देखिए मेरी मामी भी आ चुके हैं, हाय करो मामी। और ये राज छोटी, और ये लग रही है दुल्हन को मेहंदी, और ये रहे मेरे मम्मी के मामी। तो इन लोग सब आए हैं इंदौर से, और दुल्हन की मेहंदी मैं आपको दिखाती हूँ, बस इतनी झलक दिखाऊंगी, बाकी पूरा बाद में दिखाएंगे पूरा होने के बाद। तो कैसा फील हो रहा है? बस हो रहा है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और फिर बाद में फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, मामी के साथ मुझे जाना था शॉपिंग पे उनकी, तो यहाँ पर मामी ले रहे थे अपने बेटे के लिए कपड़े, उन्होंने साड़ी भी ली थी और भी मम्मी पापा का हिज भी लेना था उनको, वो सब भी लिया था और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें थी जो ले रहे थे वो। और उसके बाद में ये सब लेने के बाद में भी पता है क्या, मतलब
इधर उधर उधर इधर करते करते हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और उसके बाद में हम लोग आए मम्मी के घर वापस, तो ये देखिए मेहंदी का पूरा सब चीज़ ये लग गया था और यहाँ पर बच्चे लोग बहुत अपना अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। हैदू को देखिए कितना अच्छा इंजॉय कर रहा था वो, और हैदू ने तो रात भर बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद में मैं अंदर गई तो तनु की मेहंदी लग चुकी थी अच्छे से, बैक साइड से लगने की थी और उसके टिप्स भी लगने के थे, बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पर देखिए मेरी छोटी माँ आई है, मतलब मेरी मासी, और ये मेरी मामा की लड़कियाँ हैं और इन लोग सब लोग इंदौर से आए थे। बहुत मज़ा आ रहा था, इन लोग को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और उसके बाद में फिर मैं घर गई और ये देखिए डीजे जब चालू हुआ ना उसके कई देर के बाद मैं घर गई। और उसके बाद में फिर पता है क्या, हम लोग रेडी होके आए और जाने के पहले ये देखो इनाया भी आई हुई थी। और ये देखिए अब फिर ना हम लोग घर से रेडी होके वापस आ रहे थे, पहले मैं घर चली गई थी देन उसके बाद में ये देखिए हम लोग वापस आ रहे हैं और ये मैं मेहंदी के लिए रेडी हो गई थी वापस। और है तो यही पर तो हम लोग आए फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, जैसे हम लोग जाने के पहले और उसके बाद गल पुट के स्वीटू जेहा कह गई, मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई। वो गल पुट के स्वीटू जेहा कह गई, मेरा
मैं सब कुछ लुट के ही ले गई। ओ गल फुट के स्वीटू जेहा कह गई, मेरा सब कुछ लुट के ही ले गई। गल फुट के स्वीटू जेहा कह गई, मेरा सब कुछ लुट के ही ले गई। कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यार।